सो वाइट का इशारा इस बीच आता हुआ और माना आउट हुए. उसके बाद उनके डैड यानी टीम की कैप्टन केविन आए हैं बैटिंग करने के लिए. चौका आता हुआ इस बीच मिस फील्डिंग और उसका फायदा केविन इंडियन कंपनी टीम को मिलता हुआ चौके के रूप में. 8 रन टीम का स्कोर. अच्छा कैच वहां पर संगम मौजूद थे, उन्होंने कैच को लपकाया और गौरव के खाते में एक और सफलता. संगम वहां पर मौजूद थे और अच्छा कैच और कामयाबी मिलती हुई सागर विशाल टीम को. गौरव एक बार फिर ओवर द विकेट. हवा में जरूर था एक समय के लिए गेंद, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद गिरेगा. एक रन पूरा किया है बल्लेबाज ने और स्ट्राइक पे अब केविन होंगे. तो पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ टोटल 9. मोटा जय मोटा है बॉलिंग मार्क पर. अब आसान सा कैच कौशिक के लिए इस बीच और जय मोटा को मिलता हुआ एक और कामयाबी. एक और झटका यानी तीसरा झटका लगता हुआ केविन इंडियन कंपनी टीम को. लेफ्ट हैंड बैट्समैन धर्मेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. थोड़ी सी मुश्किल में टीम है केविन इंडिया क्योंकि 3 विकेट गवा बैठी है शुरुआती ओवर्स में. इस बार हल्के हाथों से सिर्फ गेंद को टाइम किया, दिशा दिखाया फर्स्ट स्लिप की तरफ. 1 रन मिलता हुआ बैट्समैन धर्मेश को और केविन इंडियन कंपनी टीम को. अब कप्तान केविन खुद स्ट्राइक पर है, सामने जय मोटा. ये अच्छा बैटल देखने को मिलेगा. अच्छी गेंद जय मोटा की, पेस भी थी गति भी थी और टप्पा भी अच्छा. अच्छा एरियाज में बॉलिंग कर रहे हैं. और एक और कैच हो सकता था कप्तान सागर. एफर्ट अच्छा लेकिन ड्रॉप. रन आउट की कोशिश थी वहां पर. संगानी मौजूद है. 1 रन पूरा किया गया. धर्मेश के बल्ले से आता हुआ इस बीच सिंगल. दो ओवर के बाद स्कोर हुआ टोटल 12. आसान सा कैच वहां पर. संगानी को मिलता हुआ कामयाबी और आउट हुए इस बीच धर्मेश. भाविन ने बैट्समैन संकट में अब केविन इंडियन कंपनी टीम. अच्छा शॉट लेकिन गैप में सिंगल बटोरा भाविन ने. कैप्टन आउट केविन.
अमन नए बैट्समैन अब। अमन नए बल्लेबाज। अमन नए बल्लेबाज बैटिंग करने उतरे हैं। 13 रन, 13 रन टीम का स्कोर। अंदर की तरफ आती हुई गेंद, रन लेना चाहते हैं और रन लिया गया एक रन। अमन ने आते स्ट्राइक अपना कहने का ही खाता खोला अपना सिंगल के साथ और यहां से पार्टनरशिप की आवश्यकता क्योंकि यहां से ओवर्स अभी भी काफी बचे। डायरेक्ट हिट करने का पूरा प्रयास लेकिन मयूर मिस करते हुए एक रन जरूर भाविन ने लिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 14। इस बार समझदारी के साथ गेंद को प्लेट किया संगानी का अच्छा ओवर गुजरता हुआ। करण आया नए बॉलर। ओवर की अच्छी शुरुआत। भाविन को बीट करती हुई गेंद जाती हुई सीधा विकेट की कीपर की तरफ। इस बार भी बढ़िया गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची रही। आगे की गेंद थी कहीं ना कहीं पीछे जाकर खेलने का प्रयास जिसकी वजह से गेंद और बल्ले कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल बैक टू बैक देखने को मिलता हुआ। गैप में खेला इस बार कवर की रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक। कौशिक वहां पर मौजूद। एक रन मिला है भाविन को। अमन ऑन स्ट्राइक। ये बड़े हिट लगा सकते हैं और आवश्यकता भी है। इस बार समझदारी के साथ गेंद को सिर्फ प्लेट किया। गेंद सीधा जाता हुआ कैप्टन सागर के हाथों में। सिंगल बटोरा इस भी एक बार फिर अमन ने। यानी अब तक रणनीति साफ है कि सिंगल के साथ स्कोर लगातार रोटेट करेंगे आगे बढ़ाएंगे। फाइटिंग स्कोर तक पहुंचना है तो बीच बीच में बाउंड्रीज भी चाहिए जनाब। करण प्लेड ऑन हुए इस बीच। पहले बैट पे गेंद लगी फिर उसके बाद गेंद स्टंप से टकराई और उसके बाद बल्लेबाज चल पड़े। एक और झटका लगता हुआ। चार ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ टोटल 17-17 रन। नए बैट्समैन मैदान के अंदर। शॉट अच्छा और रनआउट भी मौका था। कैच का भी मौका था। एक ही समय में दो कैसे थे जीवनदान। डॉट बॉल। एक बार फिर अच्छा स्टॉप लेकिन बैट्समैन होंगे आउट। रनआउट के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ।
वाइड इस बीच, नहीं ये वाला उसके बाद प्ले ऑफ वाला होगा ना, छह मैच है उसमें। एक और विकेट, अमन आउट। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत एक बार फिर इको ग्रीन प्रेजेंट फतेह प्रीमियर लीग सीजन सिक्स में। सेकेंड इनिंग की शुरुआत होने जा रही है, मुकाबला चलता हुआ केविन इंडियन कंपनी वर्सेस केविन इंडियन कंपनी वर्सेस मुकाबला चलता हुआ सागर एंड विशाल के बीच, और सागर विशाल टीम को केवल 20 रन बनाने छह ओवर के इस मैच में। डॉट बॉल, केवल 20 रन बनाने और लगातार डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ, ये भी डॉट बॉल। चले बैट्समैन आउट इस बीच, और ओवर की समाप्ति, मेडन ओवर गुजरता हुआ और साथ एक वाइड, माफ करना, एक वाइड के साथ साथ विकेट भी मिला, और पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है एक पर एक। स्कोर एक पर एक,
मयूर ने बल्लेबाज, फुल टॉस की गेंद को ऑन साइड के रीजन में खेला है एक रन के लिए। तीन ना स्कोर टोटल तीन। धर्मेश बॉलिंग करते हुए, गौरव स्ट्राइक पर, दूसरी छोर पर मयूर, नो बॉल का इशारा है इस बीच। स्कोर चार। भावी वहां पे मौजूद, एक रन गौरव के बल्ले से। स्कोर पांच। डायरेक्ट हिट, बैट्समैन आउट, गौरव का विकेट गिरा इस बार रनआउट के रूप में और चल पड़े वो एक बार फिर पवेलियन एंड पर, और बैट्समैन नहीं आ रहे मैदान पर, सागर टीम के कैप्टन। तो कैप्टन सागर आया बल्लेबाजी करने, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, सामने धर्मेश बॉलर, बॉलर बैक टू ड्राइव, अच्छी गेंद, अच्छे एरियाज में बॉलिंग करते हुए और डॉट बॉल। तो दो ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है केवल पांच। बीस का लक्ष्य 24 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 15 रन बनाने हैं। मीत आए नए बॉलर, मिस फील्डिंग और चौका मिलता हुआ, मीत की पहली गेंद, चौका लिखा जाएगा स्कोर कार्ड में। स्कोर बढ़ता हुआ अब 9। आउट हुए बैट्समैन, मयूर का विकेट गिरा, बड़ा स्ट्रोक लगाकर मैच जल्द से जल्द फिनिश करने की पूरी कोशिश थी लेकिन आउट हुए इस बीच। फुल टॉस की गेंद थी इस बीच, मानो वहां पर थे, अच्छा एफर्ट लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। क्विक सिंगल, संगानी के बल्ले से आता हुआ सिंगल, बढ़िया स्ट्रोक। स्कोर हुआ 11, जीतने के लिए केवल 9 रनों की आवश्यकता। मीत एक बार फिर, शॉट अच्छा वहां पर, केविन मौजूद, एक रन पूरा किया गया संघानी के बल्ले से। पांच बॉल हुआ आखिरी गेंद शेष। चलिए ओवर की समाप्ति, तीन ओवर का खेल हुआ है पूरा। तीन ओवर के खेल के बाद स्कोर 12 रन, 8 रन चाहिए जीतने के लिए। गेंदे होंगी 18, 8 गेंदे 18 रन, माफ करना 18 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। नए ओवर की शुरुआत, 18 गेंदों में 8 रन चाहिए थे और पहली गेंद पर सिंगल, अब 7 रनों की आवश्यकता। रिवर्स स्ट्रोक खेला है यहां पर इस बीच सागर ने, एक रन मुकम्मल।
नो मैंस लैंड में गेंद गिरता हुआ इस बीच कैच का मौका हालांकि जरूर था, एक रन पूरा। पैरों पे गेंद थी, इसको फ्लिक किया है, एक रन। शॉर्ट लेग की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक और मैच फिनिश। मैक्सिमम के साथ संगानी ने इस मुकाबले को समाप्त किया और बड़ी जीत हासिल की है अपर टीम सागर विशाल ने। और मुकाबले इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच जय संगानी, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जय संगानी।